मोगा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब मोगा के एक मशहूर कपड़े की दुकान में फिरौती मांगने आए तीन लड़कों में से दो लड़कों को पुलिस ने काबू कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मोगा की मशहूर कपड़ा शॉप पर तीन लड़के आए और दुकानदार को गैंगस्टर अर्श ढल्ला का नाम लेकर उससे बात करने के लिए कहा। इसी दौरान वहां से पीसीआर कर्मचारी जा रहे थे तो साथ वाले दुकानदार ने पुलिस कर्मचारियों को कपड़ा शॉप में कुछ संदिग्ध लोगों के होने की बात की, जिसके बाद पीसीआर कर्मचारी दुकान के अंदर चले गए और दो लड़कों को काबू कर लिया, जबकि एक लड़का भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। पीसीआर तो मोटरसाइकिल पेट्रोल कर रहे थी ते जो चाणक्य थे इन्होंने दुकान को आए थे, इतने उन्होंने बाहर खड़े बंदे से वो बंदे छक्की अंदर बड़े ने जो बंदे धमका रहे ने, तो मैं फटाफट इन्होंने मोटरसाइकिल रोके पूछ लिया, एक भज कामयाब हो गया तो और जो उन्होंने पूछा फट के दो जने जब्बे च ले लिया तो जी थोड़ा किन्ने भेजे थे कि उन्होंने फिर उस गले का ना लिया जी तीन जने से एक भज कामयाब और मैं भी कला ही कला मुलाज होने करके थोड़ा भज में स्क्रेप हो गया एक बंदा वरना दो होंगे तो फिर बड़ी बहादुरी दिखाई फिर तो महाराज का ही हिम्मत नाल करता हाँ जी हाँ जी मैं कला ही वैपन वगैरह भी सीगा उन्होंने को शायद जो भजया ही शायद उन्होंने को हो सकता जी वैपन होगा जी जो भजेगा कहते वैपन है जी।